हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस वीडियो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ेंगे, तो उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी शुड नोट। तो देखिए वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले वही बताता हूँ कि मेटल और नॉन मेटल में जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये कि मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, दे हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं देन दे विल फॉर्म कैटाइंस, एंड व्हेन नॉन मेटल टेक इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन देन दे विल फॉर्म एनायन। तो ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे विल फॉर्म कैटाइन, मेटल विल ऑलवेज फॉर्म कैटाइन एंड नॉन मेटल विल ऑलवेज फॉर्म एनायन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझने के लिए स्टूडेंट, आप लोगों की एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, और वो एक्टिविटी है 3.8। क्या कहती है वो एक्टिविटी देखिए। उस एक्टिविटी में बताया गया कि हमको लेना है मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम का ऐसा लंबा तार सा लेना है, रिबन लेना है, और हमको लेना है सल्फर पाउडर। उस एक्टिविटी को ही मैं नॉर्मल या जनरल टॉक्स में आपको बता रहा हूं, सल्फर पाउडर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, यहाँ इस सल्फर पाउडर को भी बर्न करना है। बर्न करने का मतलब क्या है कि इट विल गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। भाई देखिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एयर होनी चाहिए, एयर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, तो आप लोग जानते हैं हम लोगों ने जो क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक्टिविटी यही की है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया है अंडर द हेडिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, जब ये मैग्नीशियम बर्न होगा तो कुछ ये इक्वेशन बन रही थी, तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2Mg+O2 gives out MgO, 2MgO, ठीक है। तो एक्टिविटी हमको कैसे करनी है, हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, मैग्नीशियम एसिस बचेंगे, मैग्नीशियम की राख बचेगी। ये मैग्नीशियम की राख है, ठीक है। और इस मैग्नीशियम की राख को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और उसमें इसको डिसॉल्व कर दिया, ये वाटर है और मैंने इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, मुझे मैग्नीशियम रिबन की जो एस थी, राख थी, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो मुझे मैग्नीशियम की राख का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। जब हम इस सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड्स बनाती है ये, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लासेस में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है गैस, मतलब इसकी वेपर्स बनती हैं। जब हम लोग सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो सल्फर जो है वो जल के सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो हम उस वेपर को कलेक्ट कर लेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमने एक पेपर लिया, पेपर पे सल्फर है, हमने उसको बर्न किया, तो जो वेपर निकल रही है उसके ऊपर आप लोग उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दीजिए, तो सारी वेपर उसमें इकट्ठी हो जाएगी। अब उस टेस्ट ट्यूब को सीधा करिए और उसमें वाटर मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास अगेन मैंने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, वेपर्स होंगी इसकी ऐसे, इस तरह से, और मैंने इसमें ऐड कर दिया वाटर। तो मतलब क्या हुआ, मुझे सल्फर ऑक्साइड्स का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, वो ये है
कि हम लोग यहाँ पर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, यहाँ भी रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को लेकर जाते हैं। अब आप लोग ये तो जानते ही हैं कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है, कलर इंडिकेटर है, जो एसिड और बेस मीडियम में अपने अलग अलग कलर्स देते हैं। जैसे जब मैं यहाँ पर, हमको नहीं पता कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस लिटमस पेपर वी कैन ईजिली डिटरमाइन विद दिस सॉल्यूशन इज वेदर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, हमने क्या किया कि रेड लिटमस पेपर को लेके गया मैं इसके पास, या रेड लिटमस पेपर के ऊपर मैंने इस सॉल्यूशन की थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दी। तो मैंने क्या देखा प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या देखा कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू कलर। ठीक है, और जब मैं ब्लू लिटमस पेपर को लेकर गया तो ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो आप लोग इससे क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हो, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू बट ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर, देन डेफिनेटली दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्या पता चला हमको कि दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि रेड लिटमस पेपर, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ इस तरह। तो देखिए रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर, ब्लू कलर, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन बेसिक है। जब मैंने सल्फर, ये वेपर्स वाले सॉल्यूशन को हमने ऑब्जर्व किया, तो जब मैं रेड लिटमस पेपर को लेके गया इसके पास, इसकी कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाली, तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड कलर। तो सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि दिस इज एसिडिक। तो आप लोगों को दूसरा पॉइंट यहां पर मिल गया विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 3.8। वो क्या है देखिए, पहला पॉइंट तो है कि मेटल फॉर्म कैटाइन एंड नॉन मेटल फॉर्म एनायन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये मिल गया कि मेटल सॉल्यूशन या मेटल कंपाउंड सॉल्यूशन, जैसे मेटल को हमने ऑक्सीजन में जलाया है तो मेटल ऑक्साइड बना होगा, तो मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया है तो एक सॉल्यूशन मिला है हमको, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो देखिए ये दो पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गए हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखिए हमने मेटल और नॉन मेटल को कंपेरेटिव पढ़ना है, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि हाउ डज मेटल रिएक्ट, एंड आप अमंग दी मेटल्स विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। हमको मेटल्स को रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखना है, हमको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पता करनी है। हमको ये तो पता है कि सब मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट अमंग दीज मेटल विच मेटल इज वेरी इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच मेटल हैज लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स एयर, या अच्छा एयर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन। तो देखिए यहां से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स एयर या ऑक्सीजन, तो यहां पर हमको कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 3.9 आपको दे रखा है। और वो एक्टिविटी 3.9 क्या कहती है उसको समझिए। ठीक, हमने कुछ मेटल के सैंपल्स लेने हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जेडन, एफी, और इस तरह से आगे चल के लेड। ठीक, ये इस तरह के मेटल सैंपल आपको लेने हैं। अब क्या करना है कि इन मेटल्स को जला जला कर देखना है, इन मेटल्स को एयर की प्रेजेंस में जलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बता देता हूँ कि मेटल
रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। सीधी सी बात तो आप लोग ये याद रखिए, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड रैपिडली, वो मेटल ऑक्साइड को रैपिडली बनाएगा, मतलब वो जल्दी जल जाएगा, सीधी सी बात है। और जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा वो थोड़ा देर से जलेगा। तो जब हम लोग इस एक्टिविटी को करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि एज सून एज वी टेक पोटेशियम एंड सोडियम ऑन आर हैंड, हम अपने हाथ पे अगर रखते हैं पोटेशियम और सोडियम को, एज सून एज इट इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जैसे ही ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं इट स्टार्ट्स बर्निंग विद वॉलेंटली। ये जो मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत वॉलेंटली जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम और सोडियम इज़ वेरी मच रिएक्टिव। तो पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही मैंने हाथ में लिया वो जलना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब हम लोग इनको कैसे रखते हैं, कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन में डिप करके रखा जाता है ताकि ये कैसे भी करके एयर के कॉन्टैक्ट में ना आ पाएं। तो हम मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लिखता हूँ कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद एयर, वॉयलेंटली रिएक्ट विद एयर, दैट्स वाई दे ऑलवेज प्लेस्ड बाई डिपिंग इन केरोसिन। तो हमको ये पता चल गया कि पोटेशियम एंड सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने लिया कैल्शियम, दिस कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम को लेता हूँ, दिस मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ये इतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है जितना वॉयलेंटली पोटेशियम और सोडियम करता है। तो एक सीधी सी बात तो ये पता चल गई कि पोटेशियम एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो और भी लेस रिएक्टिवली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम। अच्छा, मैग्नीशियम भी इसी में आ जाएगा, थर्ड पॉइंट में लिखता हूँ। मैग्नीशियम की जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो ये थोड़ा सा और लेस रिएक्टिव कर रहा है। पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत देर से रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कैल्शियम से भी लेस रिएक्टिव है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये जिंक, ये ऑक्सीजन के साथ लेस रिएक्टिव क्यों है? तो इसका कारण देखिए ये है कि एक बार ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, लेड भी इसी में आता है, लेड प्लस O2 इट विल फॉर्म PbO, इस तरह से PbO। तो ये जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड दिस लेड, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास एल्यूमिनियम का कोई वायर है तो ये एल्यूमिनियम वायर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा और फर्दर फिर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये मेटल रिएक्टिव नहीं है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, नोट में क्या, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, दैट्स वाई दे आर लेस रिएक्टिव। इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है। अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई, फायदेमंद बात हुई हमारे लिए। अगर मैं किसी मेटल को कोरोड होने से बचाना चाहता हूँ, मेटल को कोरोड का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में, कोरोजन, अगर मैं मेटल को डिग्रेड होने से बचाना चाहता हूँ तो मुझे क्या कर देना चाहिए? उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए। तो ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा?
प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाएगी और वो मेटल फर्दर कोरोजन सो नहीं करेगी। तो इसी तरह की एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। हम लोग एल्यूमिनियम जिंक का एनोडाइजिंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, ठीक, उसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चल गया, पोटेशियम सोडियम वेरी मच रिएक्टिव, देन कैल्शियम, देन उसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड, ये आते हैं। तो हमको ये पता चल चुका है कि मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एयर या व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। पोटेशियम एंड सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव, देन कम्स कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और फर्दर एटम्स फर्दर मेटल्स आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एयर के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द सिंबल्स, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेटल जो है वो एक तरह से इनर्ट मेटल है, हम लोग इनको इनर्ट मेटल कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड सराउंडिंग कंडीशंस एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें हम लोग, जैसे हमको ये तो पता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमने सबसे पहले यही पॉइंट प्रूव किया है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा अगर मैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझको, सॉल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट विद HCl, देखिए दिस इज बेस, दिस इज एसिड, और देन इट विल फॉर्म 2NaCl प्लस H2O। ये मिल गया मेरे को सॉल्ट और ये मिल गया मेरे को वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने और प्रूफ कर दिया कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड। अच्छा सम मेटल ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर में और एसिड बेस वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट विद HCl एंड देन इट फॉर्म AlCl3 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो देखो उसको बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस, ये मिल गया मेरे को सॉल्ट, ये है एसिड, तो डेफिनेटली ये मेटल ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक हो गया। देखिए बेसिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और एसिड कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उसमें से एक है Al2O3। अच्छा यहीं पर अगर मैं Al2O3 मतलब एल्यूमिना की रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, NaOH कैसा है, बेस है, इसके साथ करा दूं तो देखिए मुझे मिल जाता है 2NaAlO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए इसी मेटल ऑक्साइड ने बेस के साथ भी रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया मेरे पास निकल के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ऐसे ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, जो दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। रिएक्टिविटी, दैट इज सेकेंड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर H2O, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स H2O, वाटर के प्रति उसकी रिएक्टिविटी क्या है। ऑक्सीजन से हमको कुछ आइडिया मिल गया है कि विच मेटल इज रिएक्टिव, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखें कि मेटल रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड
एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये जनरल रिएक्शन है। अगर किसी मेटल को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में ही। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.10। आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 3.10 क्या दे रखी है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ सैंपल लेंगे मेटल के, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड ले सकते हैं। तो ये मेरे पास सैंपल है मेटल्स के। और क्या है मेरे पास, और मैंने तीन बीकर लिए हैं, तीन बीकर, और तीन बीकर में वाटर अलग अलग टेम्परेचर पे लिया है। यहाँ पर मैंने जो वाटर लिया है वो है कोल्ड वाटर, दैट इज कोल्ड वाटर। यहाँ पर मैंने लिया है हॉट वाटर, हॉट वाटर, और यहाँ पर मैंने ली है वाटर की स्टीम। वाटर स्टीम का मतलब है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तीन मेरे पास बीकर है और अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर मैंने लिया है। अब सीधी सी बात है, ये कोल्ड वाटर है, लेस रिएक्टिव होगा, ये थोड़ा सा रिएक्टिव, और ये सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्ट, सॉरी, कोल्ड वाटर इज लेस रिएक्टिव, समवॉट रिएक्टिव एंड वेरी मच रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज़्यादा है स्टीम में। स्टीम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप लोग गर्म पानी लें और स्टीम लें तो आप लोग देखोगे स्टीम से आपको ज़्यादा बर्निंग इशू हो सकते हैं इन कंपेरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इन कोल्ड वाटर और इन वीकर में हमने इन मेटल्स को डाल के देखा, तो हमने ये देखा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हालांकि इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अलग अलग है। पोटेशियम और सोडियम बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम कैल्शियम थोड़ा सा देर से करता है। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ें, अगर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन इन पर देखें तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऑर्डर बता देता हूँ। फर्स्ट देखिए कि रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो देखिए हम लोग जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। वॉलेंटली रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जैसे ही इनको जरा सी भी मॉइस्चर मिलेगी तो ये सोडियम पोटेशियम वाटर के ऊपर एकदम टूट के पड़ेंगे और क्या बना देंगे, अगर सोडियम और H2O आपस में जुड़ेगा तो क्या बना देगा, NaOH, और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी और साथ में निकलती है हीट। इस हीट से ये हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है और क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ऐसे ही पोटेशियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, KOH, और हाइड्रोजन गैस और हीट निकलेगी। यहाँ पर भी क्या होगा कि इस हीट से ये हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम रिएक्ट विद H2O, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फायर कैच नहीं करती है। सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाती है, लेकिन कैल्शियम को पानी में डालोगे तो आग नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हीट निकल रही है वो इतनी सफिशियंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे। बात को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो हाइड्रोजन गैस और साथ में जो हीट निकल रही है वो उतनी सफिशियंट नहीं है कि उससे हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के चारों ओर बबल्स की फॉर्म में यहाँ आ जाएगी और ये कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम फ्लोट करने स्टार्ट कर देगा। हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया, हमने उसमें कैल्शियम डाल दिया, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो पानी में तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बबल्स हैं वो कैल्शियम के पास आकर स्टिक हो जाते हैं, कैल्शियम से आके जुड़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ रिएक्शन विद हॉट वाटर। तो देखिए हमको ये पता चला कि इन मेटल्स में से देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं,
लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है तो उसके लिए मुझको चाहिए हॉट वाटर, हॉट वाटर चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन करेगा। और यहाँ रिएक्शन में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फायर कैच नहीं करती, आग नहीं लगाती है, क्योंकि वो हीट इतनी सफिशियंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस को आग लगा दे। फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के चारों ओर बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर स्टिक हो जाती है और मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। जैसे कैल्शियम फ्लोट कर रहा है यहाँ पर, ऐसे ही मैग्नीशियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। तो हमको ये पता चला एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। और हमारे पास लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हमको इस दूसरी एक्टिविटी से हमको ये पता चल गया, एक्टिविटी नंबर 3.10 से ये पता चल गया, सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिर उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इस तरह से आते हैं। तो हम लोग इन एक्टिविटीज से ये कंक्लूड करेंगे लास्ट में कि हमारे पास जो मेटल की रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, थर्ड रिएक्टिविटी पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमको पता है। मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दिस मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बट ऑल मेटल ऑक्साइड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो देखिए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इफ दिस मेटल ऑक्साइड, दिस मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक होगा। हमको कैसे पता चलेगी ये बेसिक है या एसिडिक है, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि सभी के सभी मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं दे डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, तो अब एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग एल्कली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्कली। एल्कली का मतलब बेसिक ही होता है, लेकिन केवल उन्हीं मेटल ऑक्साइड को हम लोग एल्कली बोल सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल कर आया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट सेकंड क्या निकल कर आया कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर ऑल्सो नोन एज एल्कली। क्या बोलते हैं उनको, एल्कली बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया देखिए स्टूडेंट यहां से कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, आर बेसिक या मैं क्या बोल सकता हूं, बेस। ठीक है, बट All base are not alkali। इसका मतलब एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या पॉइंट है वो कि all alkali are base, all alkali are base, but all base are not alkali। सीधी सी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, दो तीन बार पढ़ेंगे आपके एकदम 100% दिमाग में फिट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं रिएक्टिविटी नंबर 3 पर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड, रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड। अच्छा, डाइल्यूट एसिड से क्या मतलब है? डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक्टिविटी है 3.11। एक्टिविटी 3.11 क्या कह रही है? देखो, हमारे पास कुछ मेटल के सैंपल हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। इनको लेकर चलते हैं। एक्चुअली में हमें इन्हीं की रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाना है, तो बार बार इन्हीं को लेकर हम लोग चलते हैं। और हम लोग यहाँ पर लेते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या लेते हैं? डाइल्यूट एसिड लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइल्यूट एसिड क्या है? ऐसा एसिड जिसमें वाटर ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें ऐसी दूध की दो बूंदें डाल दी, तो वो दूध का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब दूध कम है और पानी ज़्यादा है। तो ये था डाइल्यूट एसिड। तो हमने क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड ले लिया। कौन सा डाइल्यूट एसिड ले लें? हम लोग लेते हैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl। अब NCERT में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि हम लोग कभी भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे, डाइल्यूट HNO3 नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अच्छा, इस ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर से क्या होगा बता देता हूँ कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। और अगर ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग है, इफ़ दिस एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, देन दिस हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। इसीलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो हम लोग डाइल्यूट HCl से अपना काम यहाँ पर चला लेते हैं और हम लोग पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को भी यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अनडिस्प्यूटेड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दो रिएक्टिविटी से हमने इसको पता कर लिया है। हमारे पास क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। अब एक एक करके हम लोग इसको डालेंगे डाइल्यूट HCl में, तो हमको ये पता चलेगा। और साथ में थर्मामीटर लगा देंगे, तो जैसे ही मैग्नीशियम मैंने इसमें डाला तो मैग्नीशियम ने जल्दी रिएक्शन की, थोड़ी सी हीट इवॉल्व हुई तो टेम्परेचर बढ़ गया, बबल्स बन गए इसमें, हर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम। फिर हमने देखा एल्युमिनियम डाला तो एल्युमिनियम, फिर हमने देखा जिंक। इस तरह से हमको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक का रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल गया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या मिल गया? एल्युमिनियम, और फिर क्या मिल गया? जिंक मिल गया। फिर जब हम लोगों ने आयरन डाला, आयरन ने भी रिएक्शन कर ली लेकिन लेस रिएक्टिव। जब हमने कॉपर को लिया यहाँ पर, तो कॉपर इस डाइल्यूट HCl के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था, ना तो यहाँ पर बबल्स निकल रहे थे और ना ही यहाँ पर टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट हुआ। तो इससे क्या पता चल गया कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद दिस डाइल्यूट एसिड। तो ये थी हमारे पास रिएक्टिविटी 3 टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड। अब देखिए, इन तीन रिएक्टिविटी से हमको समवॉट कुछ स्थिति क्लियर तो हो गई है कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल लेस रिएक्टिव। लेकिन एक और हमारे पास मेथड है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं, एकदम 100% प्रूफ वो मेथड है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। फोर्थ रिएक्टिविटी स्टार्ट करते हैं मेटल की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए, इस रिएक्टिविटी को समझने के लिए NCERT में एक्टिविटी नंबर 3.12 आपको दी गई है। एक्टिविटी नंबर 3.12, देखिए इस एक्टिविटी में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्टिविटी की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, जनरल टॉक्स में उसको बना देता हूं या सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए एक्टिविटी क्या कह रही है कि हमारे पास मान लीजिए दो बीकर हैं। एक बीकर में मैंने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर
सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट को वाटर में मिला दिया तो हमको क्या मिल गया, एक्वा सॉल्यूशन। और ऐसे ही मेरे पास है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा आपको स्टूडेंट एक पॉइंट और बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रियोल, हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, और इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल, मतलब ये ग्रीन कलर का है और ये ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट। और मेरे पास है एक लोहे की कील है, आयरन नेल है, और मान लीजिए एक कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे आयरन की नेल को और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे कॉपर के वायर को, फिर हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस में होते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, ये इट इज ऑफ ब्लू कलर, और मैंने इसमें डिप कर दिया आयरन की कील को, आयरन की नेल को। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि यहां पर इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो गया है, इसका क्या हो रहा है, इसका जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हुई है। अब रिएक्शन क्या हुई होगी, देखो कि आयरन सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में, और यहाँ पर इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो गया और थोड़ा थोड़ा वो ग्रीन कलर की ओर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर FeSO4 बन गया है। अगर FeSO4 बन गया है तो कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कॉपर प्रेसिपिटेट बन गया। अब सीधी सी बात समझिए, जब मैंने आयरन की नेल को, आयरन की कील को इसमें डाला तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए तो आयरन ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोवाइड्स 100% प्रूफ अमंग द मेटल टू प्रूफ दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। मान लीजिए मेटल, मेरे पास एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, अगर ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया दैट मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव, अगर बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया तो बी इज मोर रिएक्टिव। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से 100% प्रूफ कर लेते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर सीधी सी बात पता चल गई कि आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव, कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूँ, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं ये लूँ कि मेरे पास जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और मैंने इसमें डाल दिया कॉपर का वायर, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होगी, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में है जिसका कि ग्रीन कलर है, और जब यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं तो ग्रीन कलर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ग्रीन का ग्रीन है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हुई है, और ये रिएक्शन इसीलिए नहीं हुई है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव मेटल कभी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया है, मोर रिएक्टिव मेटल will displace the less reactive metal। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उस इंजर्ड प्लेयर को डिस्प्लेस करने के लिए कोई हेल्दी प्लेयर आ जाता है, तो ऑलवेज हमको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब हम लोगों ने ये जो चार रिएक्टिविटी पढ़ी हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमको इन सब का कंक्लूजन एक पता चल गया। क्या कंक्लूजन पता चल गया, देखिए कंक्लूजन मिल गया हमको कि हम लोग अब रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, कि रिएक्टिविटी सीरीज द सीरीज ऑफ मेटल्स और वी कैन से एलिमेंट्स,
द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अगर मैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं, मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें रख दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है डिक्रीजिंग में ही रखें, हम लोग इंक्रीजिंग वाली रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ सकते हैं। मतलब कोई एक ऑर्डर होना चाहिए, आइदर फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, डिक्रीजिंग का मतलब है कि पहले मोर रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव, फिर लीस्ट रिएक्टिव, इस तरह से आएगा। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे और कंक्लूजन वो कुछ इस तरह से आया है। देखो, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, फिर आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर और फिर आ गया AU। तो देखें हम लोग कि ये जो कॉपर और सिल्वर हैं लेस रिएक्टिव, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन एक मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो इनके बीच में एक बैरियर बनी हुई है। अब ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और यहां हम लोग देखेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, ये अभी छोटी रिएक्टिविटी सीरीज है, जब आप लोग 11th क्लास में आएंगे तो यही रिएक्टिविटी सीरीज में और ज़्यादा मेटल, इसमें मेटल और नॉन मेटल भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो, यहाँ से अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कर रहा था, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम के साथ कर रहे थे, और बाकी के जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे। ये हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट में आप लोगों के यहाँ दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करने हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेटल ऊपर आते हैं, जैसे मान लो मैं जिंक और आयरन की बात करूं, तो जिंक पहले आ रहा है, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन इज़ लेस रिएक्टिव। तो कंपेरेटिवली, रिलेटिवली जो मेटल ऊपर आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर वाला मेटल, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ऊपर वाला मेटल मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन नीचे वाला मेटल, नीचे वाला मेटल, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंक्लूडिंग पॉइंट ये देखिए कि जब हम लोग मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं या मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन कैसे निकलती है। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करें या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो केवल वही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, नीचे वाले मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन रिएक्शन विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, ऑन डाइल्यूट एसिड मेटल गिव हाइड्रोजन, मेटल गिव्स हाइड्रोजन। अब कौन से मेटल, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं,
जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट हैं रिगार्डिंग दिस रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी में पेज नंबर 46 पर, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ और जो मॉइस्चर है उसके साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, इसीलिए हम लोग सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके डिप करके रखते हैं। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, Fe प्लस H2O, स्टीम है ध्यान रखना है, देन इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो कैसे बनेगा ये 3Fe4H2, तो Fe3O4 और ये बन जाएगा 4H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इसी में फिर सेकेंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट आते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। देखिए कैल्शियम की रिएक्शन करनी है वाटर के साथ, तो देखो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, अगर उसकी रिएक्शन वाटर से होगी तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यहाँ से समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। थ्री को हम लोग एकदम टेबुलर फॉर्म में बना के करेंगे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। हमसे पूछा गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो मेटल कैसा है, रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। और फिर हमसे पूछा है कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 तो उसकी रिएक्शन लिखिए। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि जब रिएक्टिव मेटल कौन से हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड मतलब सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस विल एस्केप आउट। अगर मैं आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दूं, तो क्या बन जाएगा, Fe SO4 और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। देखो जिंक को हमने ऐड कर दिया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, तो टेबल पर आ जाइए। जिंक कहाँ रहा है, आयरन से ऊपर आ रहा है, जिंक जो है वो आयरन से ऊपर है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो दिस जिंक विल डिस्प्लेस द आयरन। तो हमको क्या मिल जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मतलब इसका जो ग्रीन कलर था Fe SO4 का वो ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस, हमने केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख दी है। तो ये था इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है और आपकी स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रही होगी। तो इस टेबल से कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ इन्फेरेंस हम लोग विड्रॉ करते हैं, वो क्या है, देखिए मेटल ए आयरन सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ए है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाले मेटल होते हैं वो ऊपर वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमको ये सीधा सा पता चल गया कि जो ए है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, अगर मैं ए की रिएक्शन कराता हूँ कॉपर सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अच्छा, जिंक सल्फेट और AgNO3 के साथ में हमको बताना है कि वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अभी हम लोग पहले पूरा टेबल को समझ लेते हैं। फिर देखो जो बी मेटल है वो आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज मोर रिएक्टिव देन Fe। ठीक है,
और जिंक सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन है, इसका मतलब बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। फिर देखें सी जो है आयरन सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि सी इज लेस रिएक्टिव देन एफ ई। यहाँ पे नो रिएक्शन है, इसका मतलब सी इज इवन लेस रिएक्टिव देन कॉपर ऑल्सो। कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर की भी सॉल्यूशन में से कॉपर को वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, और यहाँ भी नो रिएक्शन कर रहा है, मतलब जो है सी जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, और AgNO3 के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब जो सी है वो सिल्वर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीपर। देखो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री है, हवा में नहीं उड़ाएंगे आप लोग इसको। डी ने रिएक्शन करी आयरन सल्फेट के साथ, नो रिएक्शन, तो सीधा सा मतलब कि डी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर सल्फेट के साथ भी यही हो रहा है, तो इसका मतलब डी इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। डी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड डी इज लेस रिएक्टिव देन Ag ऑल्सो, सिल्वर से भी लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब ये हो गया। अब समझिए आप लोग, अब आ जाइए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें से कौन सा है। आप लोग कुछ मत समझिए, टेबल अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आप लोग 2-3 बार लिखोगे अपने आप से याद हो जाएगी, और कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपके पास हो तो आप लोग याद कर सकते हैं। अब लोग ये देखिए कि टेबल में जो सबसे ऊपर आ रहा है, अगर आपको टेबल याद है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे आप लोग। तो टेबल में जो ऊपर आ रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे आ रहा है वो लेस रिएक्टिव है। अब आप लोग ये देखिए कि हमारे पास टेबल में ज़्यादातर हम लोग जिंक यूज़ करते हैं, अगर किसी मेटल ने जिंक को भी डिस्प्लेस कर दिया तो इसका मतलब वो जिंक से ऊपर आ रहा होगा। तो ऐसा देखिए, सबसे पहले तो क्या यहाँ पर किसी ने जिंक को डिस्प्लेस किया है, क्या यहाँ पर किसी ने जिंक को डिस्प्लेस किया है? देखिए आप लोग, जिंक को किसी ने डिस्प्लेस नहीं किया है, इसका मतलब जिंक से मोर रिएक्टिव तो कोई हमको यहाँ पर दिया गया नहीं है। और हमको ये बताना है यहाँ पर कि इन में से ए बी सी और डी में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। अब समझिए आप लोग, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। डी ने तो सबके साथ नो रिएक्शन करी है, मतलब डी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। डी, एक पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि डी इज द लीस्ट रिएक्टिव, डी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो ए है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है और कॉपर से मोर रिएक्टिव है, आयरन से लेस रिएक्टिव है और कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली ए हम किसकी बात कर रहे हैं, वो ए क्या होगा, वो लेड हो सकता है, और भी हो सकते हैं बीच में, हम लोग ए, मैंने अभी यहाँ पे लेड लिख दिया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं बी पर। बी देखो कि बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, बी ने, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो आयरन से ऊपर वाला होगा। ठीक है, और जिंक के साथ में नो रिएक्शन है, जिंक के साथ में नो रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि वो एफ ई और जेड एन के बीच में कोई रहा होगा, एफ ई और जेड एन के बीच में कुछ एलिमेंट आ रहा होगा, ये वो वाला होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए तो आ रहा है यहाँ लेड पे और बी आ रहा है यहाँ पर, तो ए और बी में विच वन इज मोर रिएक्टिव, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, और सबसे सबसे कम क्या है, डी है, तो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मुझको मिल गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिल गया, बी मोस्ट रिएक्टिव देन ए, डी सबसे लास्ट में है, और फिर क्या आ गया, सी आ गया। एक बार देख लेते हैं सी को भी कि सी आयरन से तो लेस रिएक्टिव है, आयरन से लेस रिएक्टिव है। अच्छा, अब हमको बताना है कि ये ZnSO4 और AgNO3 के साथ क्या करेंगे। तो जब आप लोग यहाँ पर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पता कर लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा। देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से टेबल पढ़िए, दोबारा से वीडियो को देखिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग रट नहीं सकते हैं। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, नीचे नीचे कौन आ रहा है, AU आ रहा है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जो ऊपर वाले मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे नीचे वाले मेटल के कंपैरिजन में, जैसे
अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक की बात करूं तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस द जिंक। अगर मैं जिंक और आयरन की बात करूं, जिंक विल डिस्प्लेस द आयरन। अगर मैं आयरन और लेड की बात करूं, आयरन विल डिस्प्लेस द लेड। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेड विल डिस्प्लेस द आयरन या आयरन विल डिस्प्लेस द जिंक, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजफुल लगा है, तो आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।